वेलकम करियर स्ट्रेटजिस्ट। आइए एक क्वेश्चन पे विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन की न्यूनतम बिंदुओं की संख्या 2 है। एक वर्ग और वृत्त के प्रतिच्छेदन की अधिकतम बिंदुओं की संख्या 8 है। पहला स्टेटमेंट गलत हो सकती है, क्योंकि अगर वर्ग और वृत्त, ये मान लीजिए कि ये वृत्त है ना, और ये किसी, ये वृत्त है और वृत्त वर्ग के अंदर नहीं भी प्रतिच्छेदित हो सकती है। ये अगर हमने वर्ग बना लिया कोई और इसके अंदर एक वृत्त बना ले, तो ये वृत्त नहीं भी काट सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर ये कटे ही कटे, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन की न्यूनतम जो संख्या हो सकती है वो 0 हो सकती है, या एक वर्ग ही हो, एक इसके अंदर ये पूरा सर्कल है, वृत्त है, और इसके अंदर हम एक वर्ग बना दें, तो वैसी स्थिति में भी ये हो सकता है कि ये एक भी बार इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि एक बार भी इंटरसेक्ट ना करे, तो ये चीजें हो सकती है। और न्यूनतम संख्या ऐसी स्थिति में क्या होगी, 0 होगी, तो वृत्त और वर्ग की। लेकिन अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या तब होगी जब वर्ग को, ये एक वर्ग है और इसको एक वृत्त से प्रतिच्छेद कराएं, तो देखिए कितनी संख्या, कितनी बार में कट कर सकता है ये ऐसा हो सकता है। और ये आ करके अधिकतम, ये देखिए 8 बार में कट कर सकता है, अधिकतम ये 8 बार कट कर सकता है, हर एक भुजा को 2 बार कट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी संख्या अधिकतम 8 हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे कितनी बार कट करेगा, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। तो ये दूसरा कथन तो सही है, पहला कथन सही नहीं है। हाँ, 2 बार भी कट कर सकता है, जैसे कि हम मान लीजिए कि यहाँ पे ये कर दें कि ये जो है वृत्त, ये वृत्त इधर से आ जाए तो 2 बार कट कर सकता है, लेकिन 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, तो 4 भी हो सकता है। हो सकता है 2 साइड को कट करे, तो ये भी पॉसिबल है कि 2 ही साइड को कट करे और 2 2 बार कट करे, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कुछ ऐसा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि एक वर्ग की न्यूनतम, न्यूनतम तो 0 होगा, न्यूनतम 2 नहीं हो सकता, न्यूनतम 0 होगा। और अधिकतम का जहां तक सवाल है कि अधिकतम 8 है, ये सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, सिर्फ बी सही है और दोनों सही नहीं है। जैसे कि ये देखिए कि एक हम वर्ग बना लें और इसको, ठीक है, तो देखिए एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है जिसमें ये 2 बार कट करे, 1 बार और 2 बार, लगता है जिसमें 4 बार हो सकता है, 1, 2, 3 और 4 बार ये टच करे, तो 4 ही पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में 0 भी हो सकता है, तो मिनिमम जो होगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं, दूसरा जो है कथन सही है। थैंक यू।